साल में अमन रिजवी और भारत के साथ साथ किसान की भी बेटी। तो मैं बस यही कहूँगी, मैं खुलकर करूँगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूँगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। तो मोदी जी जिस तरह अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, खुदा समझ रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। मेरा भारत मेरे किसानों का है, मेरे जवानों का है, इन लोगों का नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कुछ किसान मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो किसान भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहूंगी, आओ अंधो देखो, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देखो, पूरे भारत का किसान सिंघू बॉर्डर पर, सीगली बॉर्डर पर, MS-24 पर, राजस्थान बॉर्डर पर सब तरफ जमा है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये चाइनीज है। तो ये कहेंगे क्योंकि ये आपसे डर गए, आपकी आवाज से डर गए। ये भारत मेरे किसानों का है, हम मर जाएंगे सड़कों पर, ये बिल वापस करवा कर छोड़ेंगे क्योंकि हम अन्नदाता हैं। तो मैं यही कहूंगी, जिस तरह आप सड़कों पर बने हुए हैं इसी तरह बने रहिए। ये हमें बदनाम कर रहे हैं, पिज्जा का स्टॉल लग गया, मसाजर लग गया, ये लग गया, वो लग गया। अबे जाइले, पिज्जा भी मेरे अन्न से बनता है, मेरे अन्न से बनता है ये पिज्जा। तुम क्या कहते हो किसान पिज्जा नहीं खा सकता? क्यों किसान इंसान नहीं होता? पता है इनको, ये सोचते हैं किसान भूखा नंगा पिज्जा नहीं खा सकता। पिज्जा तो यही खाते हैं, इनके मरोड़े उठ रहे, लेबर पेन ले रहे। ये आपकी पावर से, हमारी पावर से डर गए क्योंकि रोटी का कोई मजहब नहीं होता। रोटी ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना सरदार होती है, ना ईसाई होती है, रोटी रोटी होती है। ऐसे ही किसान का कोई मजहब नहीं होता। इस मूवमेंट में जब मुसलमान आते हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान इनके घरों में दामाद हो सकते हैं लेकिन किसान नहीं हो सकते। क्यों मोदी जी, तुम्हारे बीजेपी में दामाद तो हम सारे मुसलमान हैं, हम किसान क्यों नहीं हो सकते? हमें क्यों ताना मारते हैं? हम भी किसान हैं और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम भारतीय हैं। ये कहते हैं हम टुकड़ा टुकड़ा देंगे। वाह मोदी जी, जिंदगी में पहली बार तुमने सही बोला, हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं क्योंकि हम हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईसाई 4 टुकड़े हैं भारत के। एक भी टुकड़ा तोड़ेंगे पूरा भारत टूट जाएगा। नहीं तोड़ने देंगे, हम मर जाएंगे सड़कों पर, इस बिल को वापस करवा कर छोड़ेंगे क्योंकि हम कहते हैं सभी जो बोले सोनियाल, क्योंकि हम कहते हैं सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी, मेरे सरदार भाइयों ने, मेरे मुसलमान भाइयों ने। तब हमने इस भारत को बचाया था गोरे अंग्रेजों से। हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं, आज हम इन काले अंग्रेजों के चुंगल में हैं। तो हम नहीं गुलाम बनेंगे, हम हल भी आगे की तरफ चलाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। इस बिल को वापस लेना होगा, ये बिल वापस जाएगा। मैं यही कहूंगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं ये जो बोले सोनियाल, शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।